अल्लाह मियाँ, पानी कहाँ से आएगा? यहाँ से तो बंद है। बोलो कहाँ से आएगा पानी? Well, अब आएगा पानी। मिस फारूकी, मिस्टर खान देखिए बाथरूम में पानी आ गया। वो मुझे दिखाई दे रहा है, बंद कीजिए उसे। ओके मिस्टर खान, वेट मिस्टर खान। प्लीज मिस्टर खान, लुक एट द ब्राइट साइड। इससे आपको ये तो पता चल गया ना कि आपकी घड़ी वाटरप्रूफ। नहीं है। और मुझे ये पता चल गया कि आप पर वेट लुक कितनी सूट करती है। शट अप मिस फारूकी। ओके। मुझे आपसे कुछ करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्यों कहते रहते हैं आप? क्यों मुझे चैलेंज करते हैं? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फोन करके लिविंग रूम में बात करने के लिए क्यों बुलाया था? क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं पागल हो गया था। जानी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मिस फारूकी मुझे एक दिन पागल कर देगी। तनवीर, ये तुम्हारा फोन बार बार रिंग कर रहा था, मैंने उठा लिया। लाइन क्लियर नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आया, शायद तुम्हारे फैक्ट्री के मास्टर जी का फोन था। मैंने उन्हें लैंडलाइन नंबर दे दिया है, उन्हें तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है, तुम देख लेना। लैंडलाइन? अगर किसी और ने फोन उठा लिया तो मेरा खेल खत्म। इससे पहले कि उनका फोन आए मुझे उनको फोन कर लेना चाहिए। So childish. सुन लिया मैंने। कहाँ जा रही हैं मिस फारूकी? वो बड़ी मस्जिद के पास, शायद आज अब्बू के बारे में कुछ पता चल जाए। अब उस रोज भी वहां गई थी, कुछ पता चला?
जी नहीं, पर इंशाल्लाह आज जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ओके मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। मेरा मतलब अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो मालूमात करने में आसानी होगी। आपके अब्बू के बारे में पता करने के लिए हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। एक्चुअली मैं आज बहुत मसरूफ हूँ तो मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, और आप तो माशाल्लाह सब कुछ खुद कर लेती हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने साथ चलने की बात की क्यों थी? हाँ मैं बस, देखिए मिस्टर खान, या तो आपको मेरे साथ आना है या आपको मेरे साथ नहीं आना है, लेकिन अब बोलने से पहले ये तय क्यों नहीं कर लेते कि आपको कहना क्या है? आप हमेशा इतने अनश्योर रहते हैं तो बोलती क्यों है? आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते ना? रियली? और आप फैसला ले सकती हैं? ऑफ कोर्स मैं ले सकती हूं मिस्टर खान। आपको क्या लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूं? मैं ऐसी हूं ही नहीं। ओके क्या मैं ऐसी हूं? देखिए आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, और मैंने अब भी फैसला कर लिया कि आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। ओके चीप लड़की है, हेल्प करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। जी जी आगे कहिए। हेलो तनवीर भी, मैं मास्टर बोल रहा हूँ। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। वो मेहता एंड सन्स का बड़ा वाला ऑर्डर तैयार हो गया है। आप कहें तो ऑर्डर भिजवा दूं? बाकी आप चिंता मत कीजिए, सब खैरियत है। बाकी दो ऑर्डर भी इसी हफ्ते पूरे हो जाएंगे। अगर गलती से किसी ने मैसेज सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने फैक्ट्री की आग के बारे में झूठ बोला था। मुझे किसी भी तरह ये मैसेज डिलीट करना होगा। क्या होता है? वो एक फोन करना था, बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी ना, तो इसीलिए चेक कर रही थी कि तार सही से लगे हुए हैं कि नहीं। दिखाओ, मैं चेक कर। नहीं नहीं, मैंने चेक कर लिया है, सब ठीक है। तनु तुम भी ना, तुम अपना सेलफोन क्यों नहीं यूज करती? एक फोन करने के लिए तुम नीचे आई। इट्स ओके जामी। हाँ लेकिन आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, आप जाइए। नहीं एक्चुअली मुझे ऑफिस जाने से पहले घर पे कुछ काम खत्म करना है। ठीक है फिर। क्या बात है, तुम्हें फोन नहीं करना? बाद में कर लूंगी, अभी मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है। कुछ पक्के से तो नहीं कह सकता, मगर हमारे ख्याल से ये नंबर उन्हीं साहब का है जो आपकी तस्वीर में थे, और इनके खानदान से हमारी पुरानी दुकान पे कोई ना कोई आता तो था, मगर अब हम भी पुराने हो गए हैं और हमारे कागजात भी। खैर अंकल, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे कोई तो नंबर मिला। हाँ मगर ये नंबर भी 15-20 साल पुराना है, क्या पता चलता भी है या नहीं। वो अंकल मैं टेलीफोन एक्सचेंज से पता कर लूंगी। इंशाल्लाह मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रहूंगी। अंकल आप जानते नहीं हैं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हे तनवीर, तनवीर मेरे लिए कोई लैंडलाइन नंबर पे कॉल आया था क्या? नहीं। अरे बड़ी अजीब बात है, टेलीफोन एक्सचेंज से लैंडलाइन नंबर पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोन आना था। फारूकी हम लोग बहरे नहीं है, फोन आया होता तो हम लोग सुन लेते। आपको क्या खाक सुनाई देता? कुछ कहा आपने?
नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगी। लेकिन उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो कॉल करेंगे। और टेलीफोन एक्सचेंज वाले अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। मिस्टर खान, मैं आपको बता रही हूँ ना, फोन नहीं तो कम से कम वॉइस मैसेज तो आया ही होगा।